वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। अभी ये नौबत आ जाती कि देश उस पर देश मतलब गिरवी रख देते ये पाकिस्तान को। भरोसा किसी पे नहीं है सर, हमें तो मोदी ने जब कराए तो बोल रहे हैं, नहीं करता तो नहीं करते। दोस्ती तो किसी की नहीं है, ना राजीव गांधी की दोस्ती है ना मोदी की दोस्ती है। ये मोदी अपना स्ट्रिक्ट है और जब गाइडेंस सही नहीं होगी तो फिर कहाँ से आएगा। छोटे छोटे प्रकार तो गलत करते, बड़ा थोड़ी करता है। आप कुर्सी पर बैठ रखे हो, आप थोड़ी कर रहे गलत। अब छोटे वालों को देखना चाहिए, छोटे कहाँ सही कर रहा है, कहाँ गलत कर रहा है। वैसे हमारे हिसाब से तो बीजेपी आना चाहिए। बाबा की बात में आप देख रहे हैं ऋषिकेश के लोगों की राय। नाम क्या है सर आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, कैसे देख रहे हैं चुनाव को, क्या माहौल क्या है यहाँ? चुनाव में यहाँ बीजेपी है। बीजेपी है, मतलब क्या काम क्या किया है जो आप कह रहे हैं बीजेपी है? काम तो बहुत कुछ किए, आस्था पथ बनाया, ये सब बनाया और रोड भी अच्छी की है, सड़कें भी बनाई हैं जी। और भी काम किए हैं इन्होंने जो जनता के हित में है जी। विपक्ष कह रहा है भाई बार बार सीएम बदल रहे हैं आप, यानी कि आप में काबिलियत नहीं है इस राज्य को चलाने की। विपक्ष ऐसे बार बार यही सवाल दागता है बीजेपी पे, तो उसके बारे में कोई बात? ऐसा है ना, सीएम को तो दो बार तीन बार चेंज हो चुका है सीएम, लेकिन उससे जनता पे इफेक्ट तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जनता जो है सीएम को चुनती है और यहाँ से चुन के भेजती है। जो विधायक होता है उसको चुन के भेजती है, फिर सीएम का चुनाव अलग होता है, वो पार्टी अपना डिवाइड करके चुनाव करती है। मुद्दे क्या है बाबा यहाँ उत्तराखंड के चुनाव में, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो दो हैं, एक तो जनता को सुविधाएं मिलना चाहिए जो मतलब जो होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि जनता को जो है बेरोजगारी कवर करना चाहिए, और ये आपका ये महंगाई भत्ता पे कंट्रोल करना चाहिए। तो इस पर तो विपक्ष कह रहा है कि फेल है बीजेपी। फेल नहीं है, अभी ये नौबत आ जाती कि देश उस पर देश मतलब गिरवी रख देते ये पाकिस्तान को। अच्छा, हाँ जी, पाकिस्तान को क्यों? क्यों पाकिस्तान तो इनके इंडिया को बराबर दबाता रहा है। हाँ। शुरू से दबा रहा है, जब कांग्रेस थी तब भी दबाया उसने। हाँ। जब बीजेपी आई तब उन्होंने उसको टाइट किया। हाँ। तो ये मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी वगैरह दोस्त है पाकिस्तान के? नहीं, दोस्त से मतलब नहीं है। हाँ। दोस्त दुश्मनी वो तो अलग चीज है। हाँ। दोस्ती तो किसी की नहीं है, ना राजीव गांधी की दोस्ती है ना मोदी की दोस्ती है। ये मोदी अपना स्ट्रिक्ट है, जो सरकार को कमांड कर रहा है। हाँ। वो अपनी जगह सही है। हाँ। और इसकी यहाँ नहीं, इंडिया में नहीं, विदेशों में काफी इज्जत है। अच्छा, विदेशों में भी मतलब? हाँ, इसने अपना वो बनाया है। तो ये किसको देख रहे हैं आप यहाँ पे उत्तराखंड में, मतलब धामी फिर से रिपीट हो रहे हैं? धामी भी आ सकते हैं, और वैसे ऐसे ऐसा है ना, टक्कर दोनों की है। हाँ। बीजेपी कांग्रेस दोनों की टक्कर है। हाँ। अब कौन बाजी मारेगा, तो एक तो बाजी मारेगा, कोई मारे नहीं, जैसे आप जनता है, आप माहौल यहाँ के लोकल है। वैसे हमारे हिसाब से तो बीजेपी आना चाहिए। अच्छा, बीजेपी आना चाहिए, आप बीजेपी को वोट करेंगे? तो क्या मतलब वजह, कोई ठोस की क्यों आने चाहिए वहीं? इसलिए आना चाहिए कि जो सरकार जो चला रहा है, वो कमांड कर रहा है, वो अब वो सही ढंग से कर रहा है। बस उसने एक रोक नहीं लगा पाई, महंगाई भत्ता, महंगाई पे रोक नहीं लगा पाई बस। यहाँ फेल रही। अच्छा, और उत्तराखंड में जैसे ये कहा जाता है उत्तराखंड में कि पलायन का मुद्दा है, कोई मुद्दा है पलायन का, जैसे गढ़वाल वगैरह से लोग पलायन कर रहे हैं, ऐसा कोई मुद्दा है? ना, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, कोई मुद्दा नहीं है ना। क्या क्या मुद्दा है सर उत्तराखंड के चुनाव में? उत्तराखंड के चुनाव तो बढ़िया है सर, मोदी जी आना चाहिए, गरीबों के बारे में सोचना चाहिए, उसको गरीब क्या है। हाँ। अमीर तो अमीर ही जा रहा है, गरीब मारे जा रहे हैं, गरीब आदमी है नहीं है। हाँ। सिर्फ ये है कि यहाँ जितने भी गरीब आदमी है, लोग बाहर यूपी में जो है गरीब आदमी मकान वगैरह बन जाता है, यहाँ कोई सुनता नहीं, पूछता नहीं है, ऊपर तक रिपोर्ट नहीं जाती, छोटे छोटे लोग जो है यहाँ दबा देते हैं बात, ये कोई बात उठाता नहीं ऊपर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है नहीं है। तो ये है कि गरीब आदमी के लिए भी अपना छत होना चाहिए, वो बोलते हैं हम अपना छत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ कोई छत नहीं मिली यहाँ, यहाँ किसी को उपलब्ध नहीं हुई है। तो कितने बार नगर पालिका में कागज भी चले गए, सबके भरे चले गए, सब कुछ चले गए, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती है। गरीब आदमी लॉकडाउन आया, गरीब आदमी मारा जाता है, भिखारी तो बेचारा लाइन पर जाके खड़े खा जाता है, जो हम भी उसमें है भी उसमें, तो हमारे जाके जाते बीच वाले जो है अमीर आदमी। मोदी आना चाहिए,
हाँ तो शिकायत तो होगी जब मास्टर बच्चों को पढ़ाएगा सही ढंग से पढ़ाएगा तो गार्जियन को छोटे आदमी ऊपर तभी तो बनता जब सिपाही बनेगा तो फिर हवलदार बनेगा वो फिर कप्तान बनेगा वो और जब गाइडेंस सही नहीं होगी तो फिर कहाँ से आएगा छोटे छोटे प्रकार तो गलत करते बड़े बड़ा थोड़ी करता है आप कुर्सी बैठ रखे आप थोड़ी कर रहे गलत अब छोटे वालों को देखना चाहिए छोटे कहाँ सही कर रहा है कहाँ गलत कर रहा है तो उत्तराखंड में धामी सरकार ठीक कर रही है सही कर रही सर अभी उन्होंने बोला है कि मतलब कि गरीब आदमी के लिए हम जगह बनाएंगे मकान वगैरह बनाएंगे अब देखते हैं क्या होता है उसके बाद देखते हैं सर। अच्छा तो उम्मीद है आपको? हाँ उम्मीद है सर। और आप चाहते हैं भी विपक्ष कह रहा है कि भैया चार धाम चार काम हम काम करेंगे हमको मौका दो 70 साल हो गए अब तक तो किसी ने करा नहीं है सर 70 साल में तो पहली बार तो ऐसे काम हुआ है यहाँ क्या तो विपक्ष पर भरोसा नहीं है भरोसा किसी पे नहीं है सर हमें तो मोदी ने करा कर, जब करा है तो बोल रहे हैं नहीं करता तो नहीं करते आप ही लोकल हैं। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल VK News, राष्ट्र के नाम।